दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुक महादलित टोले के समीप पंचाने नदी में डूबने से गुरुवार के दिन एक युवक की मौत हो गई। मृतक रामाशीष मांझी का 20 वर्षीय पुत्र सिंटू मांझी है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सिंटू मांझी घर के पीछे पंचाने नदी में सितुआ पकड़ने का काम कर रहा था, तभी वह गहरे पानी में चला गया जिसके कारण डूबने से मौत हो गई। युवक को डूबता देख नदी किनारे खड़े बच्चों ने शोर मचाया। जब तक आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचते, युवक डूब चुका था। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। मौके पर परिजनों की चीख पुकार मच गई। डूबने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दीपनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक अमहद ने बताया कि युवक नदी में सितुआ पकड़ने गया था। गहरे पानी में चले जाने की वजह से युवक की डूबकर मौत हो गई। सिंटू मांझी की शादी अगले महीने होने वाली थी। चार भाई और तीन बहनों में युवक तीसरे नंबर पर था। युवक मजदूरी करने का काम करता था। मृतक के घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। अचानक हुए इस घटना से परिवार पर दुहखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सितु निकालने के समय उपरांत जब भी डुबकी मारे हैं वो अंदर ही रह गए। अच्छा, क्या कुछ ने फंस गया, क्या हुआ नहीं हुआ? अचानक खुले बच्चा भी था, छोटा छोटा, जो चुन रहा था, निकाल रहा था, हल्ला किया, भैया डूब गया, नहीं निकला है। जो ग्रामीण दौड़ा उसे निकाला। प्रशासन भी यहाँ आए, मदद भी किए। क्या नाम है मृतक का? मृतक का है सिंटू मांझी। पिता रामाशीष मांझी। घर गाड़ी लगा खाली लाग है।